Welcome to VL Memorial School. This channel is very important for all students. So click on subscribe button and press the bell icon for all notification. Memorial School के इस channel पे हम इसमें जानेंगे कि जो भी video upload होता है वो कहाँ पे जाता है. तो यहाँ पे upload होने के बाद से आपको जो भी video होंगे उसका video के इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे. अगर आप क्लास वाइज इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो क्लास वाइज के लिए आपको क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट पे. प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह से क्लास सेवन्थ के मैथ और इंग्लिश ग्रामर सिक्स सेवन्थ एट जो कि एक ही में पढ़ाया जाता है, उसके बाद से एट टू फर्स्ट टू एट से कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं. इसी तरह से आपका सिक्स का मैथ है, फिफ्थ का मैथ है और जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे इस प्लेलिस्ट के माध्यम से उस क्लास के उसमें सभी आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे. उसके बाद से हम जानते हैं यहाँ पे अबाउट के बारे में. तो अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल स्टूडेंट पीपल एंड यूट्यूबर वेलकम टू VL मेमोरियल स्कूल, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है. यहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश साइंस कंप्यूटर आदि सभी कोर्स को ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाया जाता है. इसमें आपको डेली 9 AM जो सुबह में 9 बजे आपको जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद से यहाँ पे जो बेल जैसा आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं. तो जो भी वीडियो इस पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो बुक सेवन्थ में लगा हुआ है उसके बारे में आपका कौन कौन सा टॉपिक है. तो आज हम वही जानेंगे कि सेवन्थ में कौन कौन सा कंटेंट है और उसमें टॉपिक लेसन क्या दिया हुआ है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे. तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं, उसमें क्या जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आई एम अश्वनी गुप्ता. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास सेवन का एक कंप्यूटर का जो बुक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेवन का बुक है, इसमें कंटेंट कुछ दिए गए हैं और क्या कंटेंट है उसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज लेसन वन में दिया हुआ है. इस कंप्यूटर जो लैंग्वेज हमारा समझता है वह कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो आप नॉर्मल जान लीजिए इसमें आपका बाइनरी नंबर समझता है और वह बाइनरी नंबर होता क्या है, जीरो और वन होता है. जो हम अपने भाषा में समझते हैं वो हमारा इंग्लिश के लैंग्वेज में और हिंदी के लैंग्वेज में समझते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वह बाइनरी लैंग्वेज में समझता है. इसकी जानकारी आपको मिलेगी लेसन वन में जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है. उसके बाद से हम देखते हैं लेसन टू आपका जो दिया हुआ है एमएस पावर पॉइंट 2007. पावर पॉइंट 7 पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे कि उसमें पावर पॉइंट में क्या है. अब इसमें आपको यही होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे तो उसकी जानकारी आपको लेसन टू में मिलेगी. उसके बाद से आपका दिया हुआ है लेसन थ्री मोर आर एमएस पावर पॉइंट 2007. अब इसमें आपको पावर पॉइंट लेसन टू में जो थोड़ी बहुत जानकारी होगी उससे आपको थोड़ा जानकारी ज्यादा मिलेगा लेसन थ्री में, जो आपको प्रेजेंटेशन को शो कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. उसके बाद से हम देखते हैं लेसन फोर. लेसन फोर जो दिया हुआ है डेटा एडिटिंग इन एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल क्या होता है, इसमें आप डेटा को एडिट भी कर सकते हैं और इसमें आप कुछ डेटा को बना भी सकते हैं. तो कैसे बनाएंगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी डेटा एडिटिंग इन एमएस एक्सेल 2007. ये आपका लेसन फोर्थ है. उसके बाद से हम देखते हैं लेसन फाइव जो दिया हुआ है फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल.
एमएस एक्सेल में हम ये भी जानेंगे कि इसमें फार्मूला कौन कौन से होते हैं जिसके माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं कैलकुलेशन। इसके बाद से इसकी जानकारी आपको मिलेगी लेसन 5 में। उसके बाद से हम देखते हैं लेसन 6 दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद से हम एचटीएमएल जो हमारा होता है इस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो आप वेबसाइट देखते हैं वो वेबसाइट आपका एचटीएमएल के माध्यम से कोडिंग करके बनाया जाता है। उसके बाद से इसकी जानकारी हम जानेंगे लेसन 6 में। लेसन 7 आपका दिया हुआ है ईमेल। ईमेल में हम यही जानेंगे कि ईमेल कैसे बनाते हैं, उसको क्रिएट करते कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी लेसन 7। उसके बाद से लेसन 8 हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है मोर ऑन इंटरनेट। मोर ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी लेसन 8 में मिलेगी। उसके बाद से लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, लास्ट लेसन जो आपका दिया हुआ है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, उससे आपका डेटा आपका सेव रहता है या फिर डिलीट हो जाता है, या फिर उसमें एंटीवायरस का उपयोग करके आप वो डेटा को आप सेव कर सकते हैं, एंटीवायरस से आप बचा सकते हैं। तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी लेसन 9 में कंप्यूटर वायरस। तो इस तरह से हम आज जाने हैं लेसन 7 में कंटेंट क्या है, इसमें लेसन कौन कौन सा दिया है, क्या टॉपिक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।